गुआंशो ने मुजिंग के लिए जो सरप्राइज प्रिपेयर किया था उस पे बिजली गिर गई और बारिश भी आने लगी थी, तो मुजिंग गुस्से से कहने लगा कि गुआंशो तुम पूरे दिन मुझे उस कासल में छोड़ के गए थे सिर्फ और सिर्फ इस बिजली का झटका खिलवाने के लिए। गुआंशो को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। मुजिंग गुस्से से उस पर चिल्लाने लगा कि गुआंशो क्या तुम्हारे अंदर कोई कॉमन सेंस नहीं है, ये सब कुछ प्रिपेयर करने से पहले तुम्हें वेदर रिपोर्ट चेक कर लेनी चाहिए थी। मैं पूरे दिन भूखा वहाँ पे इंतजार कर रहा था, पता नहीं तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। बेचारा गुआंशो उसे कुछ भी नहीं कह पाया और मुजिंग गुस्सा करके वहाँ से चला गया। उसने किचन में आके देखा कि गुआंशो ने सारा खाना वेस्ट कर दिया, अब बस ये सिर्फ रामेन बचे हैं। पता नहीं मैंने इस बेवकूफ से शादी क्यों की, क्या सच में अल्फा के मामले में मेरा टेस्ट इतना खराब है। वो बस गुस्से के मारे ये सब कुछ बोले जा रहा था कि तभी उसका ध्यान उसके हाथ पे गया कि मेरी रिंग कहाँ पे गई। वो चारों ओर अपनी रिंग ढूंढने लगा और फिर से वो उसी गार्डन में गया। गुआंशो की फील सरप्राइज का ढेर वहाँ पे पड़ा था, तो मुझे उस ढेर में से उसकी रिंग ढूंढने लगा, लेकिन उसे रिंग नहीं मिल रही थी, इसलिए उसे गुस्सा आ रहा था कि उस कमीनी तेज हवा ने मेरी रिंग को उड़ा दिया। आखिर वो होगी कहाँ पे, मैं पूरे दिन से उसे ढूंढ रहा हूँ लेकिन मुझे मिल ही नहीं रही है। उसके पेट से भूख की आवाजें आ रही थी, इसलिए उसे और ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि इस आवाज को बंद करो। वो गुस्से के मारे चीजों को किक लगाने लगा कि मैं जितना इस आइलैंड से हेट करता हूँ उतना ही मैं उस रिंग से भी हेट करता हूँ, पता नहीं मैं उसकी बात मान के यहाँ पे आ ही क्यों गया। और उसकी आंखों में आंसू भी आने लगे थे। तभी उसके पास एक सेब रोल होता हुआ आया। गुआंशो उसके लिए कुछ फ्रूट्स लेके आया था। मुजिंग ने उसकी ओर नहीं देखा, अपने आंसू वाइप कर लिए और ऐसा ही दिखाता रहा कि वो अभी बहुत ज्यादा गुस्सा है। गुआंशो ने बताया कि मैं ब्यूटी में कुछ फ्रूट्स धो के तुम्हारे लिए लाया हूँ, तुमने काफी दिनों से फ्रूट्स नहीं खाए है ना। मुजिंग ने कहा कि अब क्या है, मुझे डराने में तो फेल हो गई, तो क्या आप जहर वाले फ्रूट खिलाना चाहते हो। गुआंशो ने कहा कि नहीं, इसमें जहर नहीं है, मैं इसे ट्राई करके दिखाता हूँ। मुजिंग ने देखा कि उसके लिए सरप्राइज प्रिपेयर करने के चक्कर में गुआंशो के हाथों में काफी सारी चोटें लग चुकी है, तो फिर उसने गुआंशो पे ज्यादा गुस्सा नहीं किया और फ्रूट्स लेने गया। लेकिन गुआंशो ने उससे फ्रूट्स दूर ले लिए कि तुम बस थोड़ी देर रुको, पहले मैं इस फ्रूट को खा के देखूंगा कि ये असलियत में जहरीले है या नहीं, और हम ज्यादा इंतजार करके देखेंगे, क्या पता इस आइलैंड का जहर ज्यादा वक्त के बाद असर करता हो। लेकिन मुजिंग ने एक फ्रूट अपने हाथ में लेते हुए कहा कि तुम तो कितने बुद्धू हो और तुम्हारे हाथ में ये चोट कैसे लगी। लेकिन गुआंशो ने कहा कि ये तो कुछ भी नहीं है, मैं एक रियल मैन हूँ, उसे तो चोटें लगती रहती है, इस तरह के जख्म तो मेरा गहना है। ये सुन के मुजिंग हंसने लगा, तो ये गुआंशो को भी अच्छा लगा कि फाइनली तुमने स्माइल तो की। आई एम सॉरी माई ब्यूटी, मैंने हमारा हनीमून खराब कर दिया, मैं तो बस तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। गुआंशो बहुत ही उदास हो गया था, तो मुजिंग ने साई किया और फिर से अपना वो गुस्से वाला एटीट्यूड दिखाते हुए कहा कि मुझे भूख लगी है, जाओ मेरे लिए रामेन लेके आओ। गुआंशो तुरंत ही किचन से रामेन के डब्बे ले आया और ऊपर से उसने अपने हिस्से का वेजिटेबल पैकेट और सॉसेज उसे दे दी। ये बात मुजिंग के दिल को छू गई कि सब कुछ उसे देख के वो प्लेन रामेन इतना खुशी खुशी कैसे खा सकता है, वो तो सच में एक बड़ा बुद्धू है। और हाँ, मैंने ही तो उसे चुना है, तो फिर मुझे ही उसके साथ रहना होगा।